नमस्कार, न्यूज आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि निगम। आम जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अच्छी सड़क, पेयजल, सीवर, साफ सफाई जैसे विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। आने वाले समय में जल्द ही हमारा शहर स्मार्ट सिटी की दौड़ में सबसे आगे होगा। ग्वालियर में करोड़ों की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन करते हुए ये बात कही नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने। प्रदेश सरकार में मंत्री माया सिंह ने विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। विकास कार्यों के तहत हरिशंकरमपुरम से नीडम रोड तक सड़क का निर्माण होगा, साथ ही कॉलोनी में आने वाले सभी पार्कों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। पार्क को सुंदर तरीके से विकसित करते हुए उसमें वॉकिंग ट्रैक, घास, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करते हुए 3 साल तक देख रेख करने का अनुबंध किया जाएगा। हाँ, इस वार्ड के विकास कार्यों के भूमि पूजन के निमित्त यहाँ आना हुआ है और आज यहाँ पर 32.5 लाख का एस एन तिवारी जी के मकान से लेकर नीडम रोड तक सड़क का यहाँ भूमि पूजन किया है। पार्कों का जो है वो भी जीर्णोद्धार का काम भी है। सारे बाउंड्री वॉल से लेकर, वॉकिंग ट्रैक से लेकर, घास से लेकर, प्लांटेशन से लेकर और सब है। और जिसको ये पार्क का काम देंगे वो 3 साल तक उसको मेंटेन भी करेगा और उसके बाद फिर हम कॉलोनी के जो समिति होती है उस समिति को सौंप देंगे। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ आज के साथ।